नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यादव पांडे। स्वागत है मेरी YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप में से कई लोगों को पता होगा सॉफ्टवेयर क्या होता है, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सॉफ्टवेयर का नाम तो सुने हैं बट सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानते। तो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और ये किस प्रकार से कार्य करता है। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कमांड शब्द सुना होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निर्देश। ठीक है, कमांड से क्या बनता है? प्रोग्राम। कमांड से क्या बनता है? प्रोग्राम। जो कमांड का समूह है उसको मिलाकर क्या बन जाता है? हमारा प्रोग्राम बन जाता है। और जो प्रोग्राम का समूह होता है वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम अर्थात जो प्रोग्राम का समूह है वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, चलिए हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक बाइक है बट हमारे पास पेट्रोल नहीं है। ठीक है, तो वो जो बाइक है बिना पेट्रोल के चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। तो उस बाइक को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। ठीक है, अब मान लो हमारे पास पेट्रोल है बट बाइक नहीं है, तो उस पेट्रोल को हम कहाँ यूज़ करेंगे? क्योंकि हमारे पास बाइक है ही नहीं, तो उस पेट्रोल का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसी प्रकार से जब हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर है तो हमको क्या चाहिए? हार्डवेयर चाहिए। और हार्डवेयर नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर भी किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास पेट्रोल है बट बाइक नहीं है, तो पेट्रोल किस में डालोगे? फ्यूजल हो जाएगा ना पेट्रोल। इसी प्रकार से अपने पास क्या है? बाइक है बट पेट्रोल नहीं है, तो बिना पेट्रोल के बाइक चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम में भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच वर्क होता है। ठीक है, अगर अपने पास सॉफ्टवेयर है बट हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल करोगे, कहाँ यूज़ करोगे? बिना हार्डवेयर के हम सॉफ्टवेयर को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो हमको क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हार्डवेयर चाहिए। और अपने पास हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो बिना सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है वो एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। चलिए अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है। सॉफ्टवेयर का कार्य होता है कि पूरा कंप्यूटर सिस्टम को मैनेजमेंट करना। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करना। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मेन वर्क क्या है? पूरे सिस्टम को मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करना। ठीक है, अब हम जानते हैं सॉफ्टवेयर के मतलब किस प्रकार से, या सॉफ्टवेयर को हम किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, सॉफ्टवेयर को कौन बनाता है? प्रोग्रामर बनाता है। सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामर बनाता है किसका सहायता करके, किसका यूज करके? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसको कौन बनाता है? प्रोग्रामर बनाता है। प्रोग्रामर को किस चीज़ का पता होना चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा। ठीक है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सभी चीज़ों का उनको पता रहता है। जो प्रोग्राम है PHP, ठीक है, जो प्रोग्रामर है उनको सी,
C++, जावा, PHP इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानकारी होता है, वही क्या कहलाता है, प्रोग्रामर कहलाता है। और प्रोग्रामर क्या करता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का काम करता है, किसका यूज़ करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके, जैसे C++, जावा, PHP, ये सब क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है वो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला कौन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए हम पहले वाली की बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यूनिक्स, लिनक्स, डॉस, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते होंगे, जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, ठीक है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स, लिनक्स, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर को चलाना तो दूर, स्टार्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमको कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स, डॉस, ये सब क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पर्टिकुलर उस सिस्टम को मैनेजमेंट और कंट्रोल करने का कार्य करता है। अर्थात किसी भी सिस्टम को हमको चलाना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, कंप्यूटर को चलाना तो दूर, स्टार्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा एंड्रॉयड, जो कि आज बहुत प्रचलित है, कब आया था 2004 के आसपास, 2004 में, ठीक है। ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हम मोबाइल चलाते हैं ना, यूज़ करते हैं, उसका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड्रॉयड है, ठीक है। जो मोबाइल है अपना, जो टच वाला मोबाइल है, वो क्या है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इन सब के बारे में चलिए एक बार रिवाइंड कर लेता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक, किसी भी कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, हम सिस्टम को चलाना तो दूर, उसको स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे एक सिस्टम में या कंप्यूटर में नेसेसरी है, ठीक है। जैसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका यूज़ करके हम किसी भी कंप्यूटर को चला सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यूनिक्स है, लिनक्स है, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड लिखा है, एंड्रॉयड किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 2004 में आया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर हम किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए,
बनाते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, जैसे फोटोशॉप, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ठीक है, नेरो, पावर पॉइंट, पेज मेकर, ठीक है, ये सब किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। जैसे फोटोशॉप, आप लोगों ने देखा होगा फोटोशॉप, जिसके यूज करके हम फोटो निकलवाते हैं, ठीक है, एमएस वर्ड जिसमें हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, एमएस एक्सेल इसमें भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, नेरो किसी भी सीडी में अगर कुछ चीज़ कॉपी पेस्ट करना है तो हम नेरो का यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट अगर हमको स्लाइड बना के कुछ चीज़ बताना है तो हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार पेज मेकर का यूज़ करके हम शादी कार्ड वार्ड बना सकते हैं या कोई भी कार्ड है उसको बना सकते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, या किसी भी पर्टिकुलर कार्य को या पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हमको क्या चाहिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर मान लो हमारे सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ठीक है, तो भी हमारा सिस्टम क्या होगा? चलेगा, रन करेगा, ठीक है। बट अगर अपने पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर को हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते। अगर मान लो अपने पास इनमें से जैसे फोटोशॉप, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, नेरो, पावर पॉइंट, पेज मेकर, इनमें से अगर मान लो अपने पास फोटोशॉप नहीं है तो भी हमारा कंप्यूटर क्या करेगा? चलेगा। एमएस वर्ड नहीं है तो भी चलेगा, एमएस एक्सेल नहीं है तो भी चलेगा। मतलब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी नहीं होता, इसको हम अपने यूज़ के लिए पर्टिकुलर कार्य को या उस टास्क को करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हम जनरल पर्पज़ के लिए बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे लिए किसी भी सिस्टम को ऑन करने के लिए या किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए बहुत आवश्यकता होती है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का हम उस सिस्टम को नहीं चला सकते। बट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए नेसेसरी नहीं होता। अगर मान लो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो भी हम उस सिस्टम को चला सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसी प्रकार से हमारे पास एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको हम इसको स्पेशल इंस्टॉल तो नहीं करते बट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये आ जाता है, ठीक है। जैसे नोट पैड हो गया, ये क्या हो जाता है? नोट पैड क्या है? ये अलग से सॉफ्टवेयर नहीं होता बट ये जैसे हम अपन ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो नोट पैड ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। या कुछ एंटीवायरस जो हमारी सिस्टम को सुरक्षित रख सकता है या सुरक्षा प्रदान करता है, ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम के लिए आवश्यक भी है और हम इसको बाद में अपन इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे एंटीवायरस को इंस्टॉल कर सकते हैं, नोटपैड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ स्वतः ही अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें, और आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।